दो मर्तबा मुझ पर हमला हुआ है। इससे पहले मैंने उस हमले को नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन इस मर्तबा उन्होंने बड़ा हमला किया है। वो लोगों ने मेरे ऊपर उन्होंने हाथ उठाया है, मारने के लिए दौड़े हैं। अगर हमारे अधिकारी नहीं होते तो वो लोग आज मुझे मारते भी, मार भी चुके होते, और मारा है उन्होंने। कहीं कहीं मुझे हाथ लगे हैं उनके। सभी लोगों ने देखा, खास करके आप लोगों ने भी उसको देखा, उनको देखा, नोटिस किया कि किस तरीके से उन्होंने बदतमीजियां की है, और किस तरीके से एक महिला महापौर है, उसके बावजूद वो एक बुज़ुर्ग होने के नाते बुज़ुर्ग है वो, उनका ये तरीका क्या आप लोगों को सही लगा? मारने के लिए वो आंग पर आ रही थी, ये तरीका कहाँ तक दुरुस्त है मुझे आप बताइए। जी मैं कंप्लेंट दाखिल करूंगी। ये जो घरकुल का जो विषय है, जो ये महासभा में रखा गया है, इसके ताल्लुक से मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि ये विषय इसलिए रखा गया है कि हमारे मालेगांव शहर की गरीब आवाम 23,500 रुपया ये यकमुश्त वो भरने की उनकी ताकत नहीं है। इसके लिए ये स्कीम पूरी होने में बहुत दिक्कतें आ रही है। उस पर हमने बहुत ही सोच विचार करके ये जो उनका 23,500 रुपया भरना है, इसको चार टप्पे में किया कि डायरेक्टली पहले 5,000 देकर जो पात्र हैं, जो मुस्ताहिक हैं, वो 5,000 देकर अपने डॉक्यूमेंट वगैरह जमा कराने के बाद, उनका सर्वे होने के बाद 5,000 रुपये देकर वो उनको अलाटमेंट लेटर दिया जाए और उनसे टप्पे में उनके पेमेंट की वसूली की जाए। इसके लिए ये विषय रखा गया ताकि गरीब लोगों को उससे राहत मिल सके। दूसरा महासभा है, उसके बावजूद भी कुछ कॉर्पोरेटर आपके कैबिन में आ गए थे, क्या ये कानूनन गलत है? आप एक बिल्कुल अधिकारी के होने के नाते कानूनन गलत है। महासभा कान है, जिस तरीके से हमें शासन का आदेश है उसके अनुसार हमने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हमने महासभा की शुरुआत की है, लेकिन इस तरीके की बदतमीजियां करने वाले ये MIM के जो नगर सेवक है, ये जो जिस तरीके की बदतमीजियां करने के लिए वो वहां पर आ गए, ये दूसरी मर्तबा है, ये दूसरी महासभा है कि वो लोग घुस कर आ जा रहे हैं और आकर बिल्कुल जिस तरीके का वो लोग हमारे साथ व्यवहार कर रहे हैं वो पूरी मीडिया भी देख रही है और हमारे महानगर पालिका के सभी अधिकारी वर्ग भी देख रहे हैं कि किस तरीके की लैंग्वेज का इस्तेमाल वो करते हैं। सदस्यता रद्द हो सकती है? हम तो उसके लिए करेंगे कि ये महासभा का अपमान करने वाले जो लोग हैं ये स्टैंडिंग कमेटी की चेयरमैन इतने बड़े पद पर होने के बाद भी उनको चाहिए था कि महासभा में इस तरीके की बात ना करें, लेकिन वो वीडियो भी है कि उन्होंने कैसी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया कि मुझे मजबूरन उठ कर खड़े हो जाना पड़ा कि ये कोई तरीका नहीं है। आप सभी लोगों ने देखा, अभी आगे हम हमारे हिसाब से कार्रवाई करेंगे। मैडम तकरीबन आप पर हमला हुआ है? मुझ पर हमला ही हुआ है,
मुझ पर हमला हुआ और ये हमला मुझ पर दो मर्तबा MIM के लोगों ने किया, दो मर्तबा मुझ पर हमला हुआ है। इससे पहले मैंने उस हमले को नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन इस मर्तबा उन्होंने बड़ा हमला किया है। वो लोगों ने मेरे ऊपर उन्होंने हाथ उठाया है, मारने के लिए दौड़े हैं। अगर हमारे अधिकारी नहीं होते तो वो लोग आज मुझे मारते भी, मार भी चुके होते, और मारा है उन्होंने, कहीं कहीं मुझे हाथ लगे हैं उनके। अब ये गवर्नमेंट का फैसला है, जो लेटर आया है उसमें हमारा क्या है? स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन को जो लेटर आया है वो गवर्नमेंट का फैसला है, उसमें हमारा क्या है? उन्होंने वो गुस्सा यहाँ पर उतारा, ये आप सभी लोगों को जो है। और दूसरा जो विषय महासभा में पास हुआ है, ये आर्थिक पोजीशन आज क्या है हमारे शहर की, हमारे शहर के हालात क्या है, हमारी महानगर पालिका की आर्थिक पोजीशन क्या है, इसके हिसाब से हम ये शासन को भेजने वाले हैं कि शासन इस पर निर्णय ले। दूसरा विषय जो